बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार मोदी 400 नहीं 500 पार हो रहे हैं। उमा भारती के इस बयान पर विपक्ष ने हमला बोला और उन्हें जुमला गैंग की सदस्य बताया। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता जीतन मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उमा भारती जुमला गैंग की सदस्य हैं, कभी शराबबंदी के लिए मुखर हो जाती हैं और पत्थर मारती हैं, बाद में उस पर ध्यान नहीं देती। आज देश की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उमा भारती जी भी उसी जुमला गैंग की सदस्य है जो लगातार जुमले पे जुमले फेंकते रहते। उमा भारती जी मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है। जिस तरीके से कभी शराबबंदी को लेकर मुखर हो जाती हैं, पत्थर मार आती हैं और सोचती शराबबंदी हो जाएगी, बाद में उस पर ध्यान नहीं देती हैं। गंगा की सफाई को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी, आज 500 पार की बात करने लगी। ये लोकतंत्र है, इसमें आप ये तो देखिए कि इंदिरा गांधी से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है। इंदिरा गांधी को भी मुद्दों के अभाव में चुनाव हारना पड़ा था। आज इस देश की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उमा जी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। उन्होंने मुश्किल समय में पार्टी का साथ दिया है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में ही होगा। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियों में से एक है। पार्टी के लिए शुरुआती दौर में संघर्ष उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के बारे में उनकी सद्भावना है। उन तमाम लोगों का, वह नेता जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस पार्टी को इतना विशाल बनाया है, तो उनके लिए ये लक्ष्य हो सकते हैं कि 500 पार भी हमारे लिए आगे 400 पार करने के बाद संभावित लक्ष्य रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पर हम इसको आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।